हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एमी स्वाद में। आज हम बनाएंगे मारी बिस्किट का चॉकलेट मिनी केक। तो देखिए, इस तरह से हमने मिनी केक बनाया था और उसके इस तरह से स्लाइस कट कर लिए। और ये बहुत ही बनाना आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए, तो इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिनी केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मारी बिस्किट लिए, प्लेन वाले। तो ये इसमें फ्लेवर नहीं है, तो विदाउट फ्लेवर का है। और यहाँ पे मैंने ये डार्क कंपाउंड का चॉकलेट का ये बिस्किट लिया है। तो इसमें से मैं कुछ चॉकलेट निकालूंगी और इसे मेल्ट कर लूँगी। देखिए, इस तरह का हम ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट लेंगे और एक थोड़ा छोटा पीस लेके इसे मेल्ट कर लेंगे। और उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क मेड लिया है, कोको पाउडर लिया है, कॉफ़ी पाउडर लेंगे, पिसी हुई चीनी लेंगे और देसी घी लेंगे। तो चलिए, इसे कैसे बनाते देखते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के उसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें बिस्किट को डीप करना है, इतना हम पानी लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 3/4 बाउल यहाँ पे ये पानी इसमें मिक्स किया है और ये कॉफ़ी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम साइड में रख देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये 2 चम्मच देसी घी लिया है, उसमें मैं 3 से 4 चम्मच मिल्क मेड डालूँगी। अब उसी में हम 2 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। और 1 चम्मच पीसी हुई चीनी डालेंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर मीठा कम पसंद करते तो नहीं डाल सकते। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम भी साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें थोड़ा पानी डाल के एक स्टैंड रख दिया है। और उसमें एक कटोरी में मैंने एक चॉकलेट कंपाउंड का थोड़ा सा छोटा सा पीस लिया है और इसे हम इस तरह से बॉईल कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम मेल्ट हुए तक इसे अच्छे से इस तरह से स्टीम में इसे बॉईल कर लेंगे। देखिए इस तरह से, तो ये अच्छे से मेल्ट कर लेंगे इसे। तो देखिए, हमने इसे स्टीम में अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे हम एक ट्रे लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक चॉकलेट कंपाउंड वाला, हमने यहाँ पे ये बैटर तैयार कर लिया है, कॉफ़ी वाला और ये कोको पाउडर वाला। अब हम यहाँ पे मारी बिस्किट लेंगे और कॉफ़ी, जो हमने कॉफ़ी पाउडर वाला जो पानी का घोल बनाया था उसमें डिप करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम ये कोको पाउडर वाला बैटर है वो उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे कोको पाउडर वाला बैटर लगा दिया। वापस हम एक मारी बिस्किट लेंगे, उसे कॉफ़ी के पानी में हम डिप करेंगे, उसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और जो कोको पाउडर वाला बैटर है उसे हम स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। इसी तरह हम सभी लेयर को तैयार कर लेंगे। जितना आपको 10 बिस्किट, 20 बिस्किट या कम बिस्किट का बनाना हो, तो इसी तरह हम कोको पाउडर में इसे इस तरह से लगा देंगे। तो पहले हम कॉफ़ी के पाउडर में इसे, सॉरी, कॉफ़ी के पानी में इसे डिप करेंगे इस तरह से, बिस्किट को रखेंगे। और कोको पाउडर वाला हम जो बैटर बनाए इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से सभी हम इस तरह से मारी बिस्किट को इस तरह से लेयर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से ये सारी बिस्किट के इस तरह से चॉकलेट कोको पाउडर जो है वो लगा दिया है। अब इसके ऊपर से हम जो चॉकलेट कंपाउंड हमने मेल्ट किया था वो लगाएंगे।
इस तरह से हम चारों तरफ से लगा देंगे इसे। देखिए हमने इसे चारों तरफ से लगा दिया है। अब इसे हम फ्रिज में सेट होने के लिए 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो हम फ्रिज में इसे रख देंगे 2 घंटे के लिए। तो देखिए हमने फ्रिज में इसे सेट कर लिया है और मैंने बाकी के जो बैटर बचा था तो मैंने उसका भी ये दूसरा बना लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए हम इसे इस तरह से तिरछा कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे मारी बिस्किट का ये चॉकलेट मिनी केक बनाया था और उसके हमने इस तरह से स्लाइस कट कर लिए और दिखने भी बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।